अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स वेलकम टू ई लर्निंग विद सदास चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ आज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने प्रेजेंट इंडिया टेंस के आ, को स्टार्ट किया था आज हम उसकी फर्स्ट सब ब्रांच को डिस्कस करेंगे प्रेजेंट की फर्स्ट सब ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस तो अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक वीडियोस को देखें आ, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आज हम प्रेजेंट इंडाफिनाइट टेंस की फर्स्ट सब ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर है कंटीनीस मीन अभी जो काम चल रहा है कंटिन्यू है जो वो, वो उसको शो करता है तो देखें प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू तो डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ प्रेजेंटली गोइंग ऑन कोई भी काम जो अभी प्रेजेंट में वो चल रहा हो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस कहते हैं हाँ देख उसकी आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वेदर वो प्रेजेंट इंडिया टेंस का सेंटेंस है या उसकी सब ब्रांच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और कोई किसी कोई और टेंस का सेंटेंस है तो उसके लिए आपको उसके उर्दू में सेंटेंस के आखिर में उसकी पहचान होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस आता है पेपर में तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है तो उसकी फर्स्ट ऑफ़ ऑल आइडेंटिफिकेशन मस्ट है पहचान है उसकी पहचान क्या है कि उसके सेंटेंस के आखिर में वर्ड आता है रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ रही हूँ वगैरह आते हैं चल रहा है मैं काम कर रही हूँ अभी कर रही हूँ ठीक है रही हूँ प्रेजेंट अभी कर रही हूँ लेकिन अभी वो जो है एक्शन जो है अभी प्रेजेंटली गोइंग ऑन है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ ठीक है वो कपड़े धो रही है तो अभी वो धो रही है ठीक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ ठीक तो ये सेंटेंस के एंड की पहचान है कि इन सेंटेंस के आखिर में ए, के उसकी उर्दू में पहचान क्या है कि उनके फ़िक्रों के आखिर में रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ रही हूँ वगैरह आता है नेक्स्ट नंबर टू जो स्टेप है जो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको याद रखना है वो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखनी है कि इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है प्रेजेंट इंडोफिनाइट टेंस के जो सब ब्रांच प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस है उसकी प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एडिशन आई एन जी का अजाफा होता है आई एन जी एडिशन इसको इंक फॉर्म भी कहते हैं दो नेम्स इसको जाना जाता है एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आई एन जी भी कहते हैं या इसको इंक फॉर्म कहते हैं कि कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है ठीक है इसके बनाने का रूल क्या है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है जो मैंने आपको अभी बता दिया है कि फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले इसके तीन हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के तीन हेल्पिंग वर्ब हैं इस आर और एम इज़ आज़ एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब हैं को बतोरे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं अब इस किसके साथ इस्तेमाल होता है एम किसके साथ इस्तेमाल होता है और आर किसके साथ इस्तेमाल होता है इस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है ही शी इट के साथ और कोई भी वाहिद नेम हो जाए उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जबकि आर प्लोरल के साथ यूज़ होता है प्लोरल सब्जेक्ट्स के साथ जैसे कि यू वी दे और जमा नाम के साथ इस्तेमाल होता है जबकि आई जो है एम जो है एम जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो जस्ट आई के साथ यूज़ होता है और किसी के साथ यूज़ नहीं होता एम को सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के तीन हेल्पिंग वर्ब हैं इज़ एम आर इस इज़ यूज़ विद ही शी इट एम इज़ यूज़ विद आई एंड आर इज़ यूज़ विद वी यू एंड देर यू कैन से द्लोरल सब्जेक्ट्स उसके बाद आपको पता है जब आपने आ, ये आइडेंटिफाई कर दिया कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस नेक्स्ट होता है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कैसे आप उसको बनाते हैं उसका तरीका क्या होता है तो उसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखें वो फुटबॉल खेल रहे हैं अब इन उर्दू में आपने कैसे आइडेंटिफाई किया रहे हैं अभी खेल रहे हैं तो प्रेजेंट में काम हो रहा है लेकिन अभी काम चल रहा है रहे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो इट मींस ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है आपने उर्दू में पहचान कर ली अब इंग्लिश में देखें दे वो ज़्यादा लोग हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे दे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है आर दे आर प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने एडिशन ऑफ आई एन जी इंक फॉर्म लगाई है प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल दे आर प्लेइंग फुटबॉल अब प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता था जबकि आगे इसकी जितनी भी सब ब्रांचेस हैं उसमें सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है ये बात आ, आपने माइंड में ज़रूर रखनी है ठीक है अपने कॉन्सेप्ट में इस बात को क्लियर रखना है कि प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल नहीं होता था जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो उसकी फर्स्ट सब ब्रांच है उसमें सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर इस्तेमाल होता है मैं मेहनत कर रहा हूँ रहा हूँ आपने उर्दू में उसकी पहचान की रहा हूँ अभी कर रहा हूँ लड़की की बात हो रही है और मैं है मैं है ठीक है तो मैं आई आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा आई एम वर्क इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड एडिशन ऑफ आई एन जी वर्किंग हार्ड आई एम वर्किंग हार्ड तो ये इसकी आपने अगर आपको ये इंग्लिश में आ जाए सेंटेंस कहीं पर भी आई एम वर्किंग हार्ड तो आपको फ़ौर देखने से आइडिया हो जाना चाहिए कि एम इज़ द हेल्पिंग वर्क और वर्क के साथ आई एन जी का इजाफा हुआ तो इट मीनस कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है आपने इंग्लिश में भी इसकी आइडेंटिफिकेशन रखनी है फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा है प्लस आपका एम हेल्पिंग वर्ब से आपने इसको आइडेंटिफाई किया जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं वेदर वो प्रेजेंट इंडाफिन टेंस की सब ब्रांचेस के हैं या पास्ट की सब ब्रांच के हैं या फ्यूचर के हैं उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा ही होता है जस्ट आपने ये आइडेंटिफिकेशन मस्ट जहन में रखनी है कि उनके हेल्पिंग वर्ब से आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो प्रेजेंट की बात हो रही है फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है देखें हम स्कूल जा रहे हैं रहे हैं से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है आ, हम वी वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ व आर वी आर गो इज द फर्स्ट फॉर्म प्लस एडिशन ऑफ आई एन जी वी आर गोइंग टू तो स्कूल वी आर गोइंग टू तो स्कूल हम स्कूल जा रहे हैं तो देखें यहाँ पे जैसे कोई सिंगुलर नेम है सलमा कपड़े धो रही है सलमा सलमा इज़ सलमा एक अकेली है सिंगुलर नेम है ठीक है इज़ इसलिए यहाँ पे उसके साथ इज़ लगा है वॉशिंग इज़ वॉश के साथ आई एन जी का इजाफा हो गया तो देखिए आपको मैंने सारी एग्जांपल्स में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल बताया है कि आर ज़्यादा प्लूरल के साथ यूज़ होता है एम आई के साथ यूज होता है फिर आई का सेंटेंस और इसका सेंटेंस आपको सलमा के साथ या शी भी हो सकता है था वो कपड़े धो रही है इज़ वॉशिंग क्लॉथिस भी हो सकता है ठीक है तो आपने इसके हेल्पिंग वर्ब को माइंड में रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के तीन हेल्पिंग वर्ब हैं इज़ एम आर नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका कार होता है नेगेटिव मीन नाट तो आपने हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं सिंपल ये है फिक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्क के बाद नाट लगाते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्क प्लस नाट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है तो आप कभी भी सेंटेंस बनाने में मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता कि आपने अगर आप यहाँ नॉट हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा लेंगे तो आपका स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो जाएगा और आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ठीक है तो आपने जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है उसको अपने माइंड में रखना है इसी की इन्हीं एग्जांपल्स को अगर हम नॉट के साथ चलें यही चार एग्जांपल्स को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करें तो क्या उसका क्या बनेगा वो फ़ुटबॉल नहीं खेल रहे हमने पीछे सिंपल सेंटेंस में कहा वो फ़ुटबॉल खेल रहे हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल नेगेटिव मीन नॉट तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया और सारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ आई आई एम नॉट वर्किंग हार्ड आई एम हेल्पिंग वब के बाद नाट का इस्तेमाल हो गया सलमा कपड़े नहीं धो रही है पीछे था सलमा कपड़े धो रही है सलमा इज़ वॉशिंग क्लॉदस शमा कपड़े नहीं धो रही है सलमा इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉदिज ठीक है तो so जस्ट आपने नॉट का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंस में नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप उर्दू में सवालिया फिक्रे कहते हैं उसका स्ट, स्ट, स्ट्रक्चर क्या है इंटरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और फ़िके के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सवालिया निशान लगाते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल क्या वो फ़ुटबॉल खेल रहे हैं वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं क्या वो फ़ुटबॉल खेल रहे हैं अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आना है आर आर इज़ द हेल्पिंग वर्ब आर उसके बाद आपने देखे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में देन सब्जेक्ट सब्जेक्ट दे आर दे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग प्लस सब्जेक्ट फुटबॉल आर दे प्लेइंग फुटबॉल क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ एम आई वर्किंग हार्ड सेंटेंस के स्टार्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाया देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिमिलरली अगर देखें क्या सलमा कपड़े धो रही है इस सलमा वॉशिंग क्लॉथ्स तो यहाँ पे भी आप देखें आपने हेल्पिंग वर्क को स्टार्ट में लाया देन सब्जेक्ट देन इंक फॉर्म देन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीक़ाकार है, है जिसको आप उर्दू में रस्मी नफ़ी सवालिया फिक्रा कहते हैं इसका सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों मिक्स होंगे क्या क्वेश्चन भी होगा और उसमें नेगेटिव नॉट भी होगा तो इसमें आपको बनाने का तरीका क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं क्वेश्चन मार्क तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल को हमने रिपीट किया क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हम यहाँ पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं और नेगेटिव भी हैं ठीक है ठीके? क्या वो फ़ुटबॉल नहीं खेल रहे हैं आर दे आर इज़ द हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इज़ दे नॉट इन फॉर्म प्लेइंग ऑब्जेक्ट फुटबॉल आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ एम आई नॉट वर्किंग हार्ट क्या सलमा नहीं कपड़े नहीं धो रही है इस सलमा नाट वॉशिंग क्लॉथिज ये इनका सें जो प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस था उसकी जो आज का जो टॉपिक था वो हमने डिटेल के साथ यूँ डिस्कस किया और आपने इसके की पॉइंट्स को याद रखने के लिए आपने इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं जस्ट इंट्रोडक्शन पहचान क्या है रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ वगैरह आता है उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एडिशन और इसको क्या कहते हैं इंक फॉर्म भी हम कहते हैं दो नेम है इसके हेल्पिंग वर्ब इस एम आर यूज़ इस किस के साथ इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ एम आई के साथ यूज़ होता है और आर वी यू दे के साथ इस्तेमाल होता है और आपने याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है फार्मूला क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस भी आप कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन एडिशन ऑफ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और सारी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ग प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव में जस्ट जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और आगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है सब्जेक्ट देन नॉट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं अगर आपको ये की पॉइंट्स माइंड में रहेंगे आप इनके नोट्स बना लें तो आप के लिए बहुत इजी रहेगा इस टेंस को याद रखना और अगर इंग्लिश में सेंटेंस आता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना आपसे अगर कोई इंग्लिश में है, ये सेंटेंस आ जाए और नीचे आपके पास ऑप्शन नहीं हो कि कौन से टेंस का सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूज प्रेजेंट कंटीन्यूस तो फिर आपने राइट right ऑप्शन के ऊपर कैसे आपने टिक करना है और अगर आपको उर्दू में आ जाए और उसकी ट्रांसलेशन करनी हो तो आपने उर्दू की पहचान याद रखनी है कि कैसे आपने उसको आइडेंटिफाई करना है फॉर्म ऑफ वर्ब में आपने मिस्टेक नहीं करनी अगर आप फॉर्म ऑफ वर्ब गलत लगाएंगे तो आपका वो जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने हमेशा याद रखना है जब स्ट्रक्चर ऑफ़ द सेंटेंस आपको याद होगा हर टेंस का तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा टेंसेस को याद रखना आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को एंड तक देखें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़